इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्राचीन श्री दिगंबर जैन मंदिर पटपड़गंज गांव दिल्ली अंतर्गत प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली। संयोजक श्री मुनिराज चातुर्मास समिति पटपड़गंज गांव दिल्ली। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन जिन वाणी रस व्रत संयम जाऊं, गुणी जनों के सदगुण गाऊं, हो गुणी जनों के सदगुण गाऊं, जिन वर ये वर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन समूह रहे जिनालयों में जिन वाणी की गंगा नेत बहे, भव भव में सन्यास मरण हो, हो भव भव में सन्यास मरण हो, नाथ हाथ धर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन बाल काल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना फल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में
मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाओ नाथ अनुग्रह हो। भंजन सागर जी मुनिराज की जय। गुरुदेव 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 तू ही पिता है।
जग के स्वामी, सभी लोग मिलकर हे त्रिलोकीनाथ भगवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे देवादिदेव भगवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे सर्वज्ञ प्रभु भगवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ढाई दीप में विराजमान 3,09,00,000 मुनि राजो को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, भारत के समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियों को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, श्री भजन सागर जी मुनिराज के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते बोलेंगे जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, जयकार लगाए मिलकर आदिनाथ भगवान की जय जय, चंदा प्रभु भगवान की जय जय, वासुभुज भगवान की जय जय, शांतिनाथ भगवान की जय जय, देवीनाथ भगवान की जय जय, पारसनाथ भगवान की जय जय, महावीर भगवान की जय जय, सागर जी मुनिराज की जय जय, मय विश्व धर्म की जय जय जय, विभंजन सागर जी मुनिराज की मेरे हर शब्द तेरे गीत को ही गाते हैं।
मेरे हर शब्द तेरे गीत को ही गाते हैं, हर एक सपनों में तेरा ही दर्श पाते हैं। तेरी उपमा को किस चीज से यहाँ पर दूं गुरुवर, तेरी उपमा को किस चीज से यहाँ पर दूं गुरुवर, चांद सूरज भी तेरे सामने शर्माते हैं, चांद सूरज भी तेरे सामने सर पाते हैं। गुरुवर के चरणों में कुछ पंक्तियां और, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम सिर को झुकाया करते हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम सिर को झुकाया करते हैं, दुनिया को सुनाकर कुछ ना मिला अब तुमको सुनाया करते हैं, हम तुम्हें और कुछ देना सके सिर्फ आंसू बहाया करते हैं, हम तुम्हें और कुछ दे ना सके सिर्फ आंसू बहाया करते हैं, हर शाम तुम्हारे चरणों में हम सर को झुकाया करते हैं, हम सर को झुकाया करते हैं। चलते हैं जिज्ञासा समाधान की ओर, कुछ जानते हैं जिज्ञासा के माध्यम से। क्या था अपना अभिषेक का, अभिषेक कैसे करते हैं? अभिषेक तैयार होना पड़ता, पहले शुद्ध स्नान कीजिए, शुद्ध धोती दुपट्टा पहनिए, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करिए, फिर मंदिर की वेदी के पास पहुंचकर हाथ धोइए, उसके बाद अपने हाथों से अनामिका उंगली से नौ स्थानों पर चंदन लगाइए, और फिर उसके बाद हाथ धोकर अभिषेक कलश को लेकर श्री जी के ऊपर कलसा ढालिए दोनों हाथ से। कितने हाथ से? ना सवा हाथ से, ना डेढ़ हाथ से, ना पौने दो हाथ से। कितने हाथ से? दो हाथ से। देखो कोई करता है सवा हाथ से, ठीक है ना? सवा हाथ कितना कहलाता है? इतना। ऐसे करते हैं, एक हाथ से कलश करके यहाँ हाथ लगा लेंगे, ये हो गया सवा, ठीक है। कोई करता है यहाँ से, हो गया डेढ़। कोई करता है यहाँ से, हो गया पौने दो, ठीक है। सवा, डेढ़, पौने दो। तो ना सवा से किया जाता है, ना डेढ़ से, ना पौने दो से। कितने हाथ से किया जाता है? दो हाथ से किया जाता है। अपने दोनों हाथों से उस कलश को लीजिएगा और ऐसी मुद्रा बनाकर, और फिर श्री जी के ऊपर ऐसी मुद्रा बना के ढारा जाता है कलसा। कलसा ढारो रे, ढारो रे भाई पुण्य भाव। तो पुण्य भाने वाला व्यक्ति ही कलसा ढारता है। तो दोनों हाथ से आहार दो, तो कितने हाथ से? दोनों हाथ से, डेढ़ पौने दो, सवा हाथ से नहीं, कितने हाथ से? दो हाथ से। अब आप कहेंगे दो हाथ से हम सब्जी कैसे देंगे? देंगे, पक्का देंगे। एक हाथ में कटोरी है, दोनों हाथ में चम्मच है, आराम से दे रहे हैं। अब लोग करते क्या है? नाटक। देखो नाटक क्या करते हैं, वो नाटक तो अपने 4 तारीख को देख लिया था, सब जगह नाटक होता है। लेकिन कैसे करते हैं? कटोरी हाथ में है, ध्यान देना, कटोरी हाथ में, चम्मच हाथ में लेंगे, मुनिराज की अंजलि तक चम्मच आगे बढ़ाएंगे और ये वाला हाथ यहाँ लगा लेंगे, कटोरी वाला ऐसे टच कर लेंगे कटोरी से। क्या कर रहे हैं भैया? कटोरी को और अशुद्ध कर रहे हैं आप, अपने हाथ को उसमें कटोरी में टच करा के कटोरी और खराब कर रहे हैं। आपका हाथ में है तो, एक हाथ में कटोरी है, एक हाथ में चम्मच है, दोनों हाथों का उपयोग हो तो रहा है, ठीक है ना? ऐसे ही ग्रास दें तो ग्रास कितने हाथों से? दो हाथों से। लोग देते एक हाथ से, एक हाथ से, जैसे वो, देखो अब शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन दे तो ऐसे ही है, जैसे वो फेंकते नहीं किसी को, सुबह सुबह कोई आता है तो उसको फेंकते हैं अपन एक हाथ से ऐसे। अब मानना अभिनय कहलाती है अभिनय, एक हाथ से आ नहीं दिया जाता, दोनों हाथ से। आप दोनों हाथ से ग्रास को ऐसे लीजिए, पकड़िए और आराम से मुनिराज की अंजलि पर रखिएगा विनय पूर्वक। उसको पटकना नहीं है, फेंकना नहीं है, ऐसे नहीं देना, अवमानना नहीं करनी है, विनय पूर्वक, सम्मान पूर्वक हमें दान करना है, आहार दान करना है, तो विवेक पूर्वक उसको लेना चाहिए। ऐसे ही जो भी चिड़िया आप आहार में देते हैं वो भी विवेक से, और भगवान का अभिषेक करेंगे तो दोनों हाथ से, भगवान की प्रतिमा उठाएंगे तो दोनों हाथ से, भगवान का मार्जन करेंगे तो दोनों हाथ से। दोनों हाथ कहाँ लगाएंगे? एक हाथ मस्तक के पीछे लगाते हैं और एक हाथ से मार्जन करते जाते हैं ऐसे, दोनों हाथ से। देखिए हमारे पुराने बुजुर्ग लोग बहुत अच्छी बातें सिखा के गए थे। कोई जब आपका सम्मान करता है ना, तिलक लगाता है, तो आप क्या करते हैं? ऐसे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सीना तान के करो सम्मान,
ऐसे मानी बन जाते। हमारे यहाँ विनय सिखाई जाती थी। आज भी बुंदेलखंड में आप जाएंगे तो बुंदेलखंड में यदि किसी को तिलक लगाया जाता है तो मालूम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, एक हाथ ऐसे लगा लेते हैं, अब बस आप तिलक लगा लीजिए, वो हाथ ऐसे लगा रखेंगे जब तक आप तिलक लगाएंगे, ठीक है। बहन भाई को अगर तिलक लगाती है तो मालूम क्या करती है, भाई के मस्तक पर रूमाल डाल देती है, पहले एक रूमाल डाल देती है उसके बाद तिलक लगाती है, या फिर भाई ऐसे हाथ कर लेता है उसके बाद तिलक लगाया जाता है। ये हमारा सम्मान है सामने वाले का, जो हमारा सम्मान कर रहा है, ये संस्कार है हमारे यहाँ के। अब चाहे भारतीय संस्कृति बोलो या जैन कुल बोलो, ये संस्कार है, ऐसे संस्कार सिखाए जाते थे बचपन से। आज के समय में मैं देखता हूँ सम्मान वगैरह हो रहा होता ना किसी का, ऐसे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल तन के, बिल्कुल झुकेंगे भी नहीं। और कई जगह हमने देखा है सम्मान होता है तो वो हाथ जोड़ लेते हैं, कोई सामने वाला सम्मान कर रहा है ना तो वो हाथ जोड़ लेते हैं, बोले हाथ जोड़ के आप उसका भी सम्मान कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि श्रावक मुनिराज का सम्मान करता है तो मुनिराज को भी श्रावक का सम्मान करना चाहिए, लिखा है शास्त्र में। श्रावक मुनिराज का सम्मान करता है तो मुनिराज को भी श्रावक का सम्मान करना चाहिए। अब एक श्रावक ने जिज्ञासा कर दी कि कैसे कैसे करेंगे, सम्मान कैसे होगा, तो बताया जिस प्रकार श्रावक मुनिराज का सम्मान करता है, कैसे, हाथ जोड़कर विनय पूर्वक हाथ जोड़ता है, मुनिराज के चरणों में अपना सर माथा टेकता है, वो मुनिराज का सम्मान हो गया, ये सम्मान हो गया। तो अब बोले मुनिराज कैसे सम्मान करेंगे, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मुनिराज अपने हाथ को उठाकर उसको आशीर्वाद दे दे, ये श्रावक का सम्मान हो गया, ये सम्मान। अगर साधु श्रावक का सम्मान करता है तो श्रावक साधु का करता है, तो साधु श्रावक का भी करता है। श्रावक साधु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के बिना धर्म नहीं चल सकता। अगर एक व्यक्ति आगे अकेला हो श्रावक तो धर्म नहीं चलेगा, और साधु अकेला है तो धर्म नहीं चलेगा। धर्म को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अब जैसे साधु बन रहे हैं तो श्रावक भी है। अब कुछ श्रावक कहते हैं कि बस जितनी आर्यिका बन गई उतनी आर्यिका ठीक है, ज्यादा आर्यिका नहीं बनना, तो चौका कौन लगाएगा, ज्यादा आर्यिका बन गई तो चौका कौन लगाएगा। तो मैंने कहा मनी भैया महिलाएं गिनती में कम से कम 25 लाख हैं भारत में, अगर काउंटिंग में लगाएं तो जैनों की महिला 25 लाख हैं, आर्यिका तो केवल 700-800 है, बस केवल 700-800 आर्यिका हैं पूरे भारत में, इससे ज्यादा आर्यिका नहीं है। इसलिए आर्यिका बनो आराम से, चौका खूब लगेगा, चिंता मत करो, पूरा महिला मंडल मिलके चौका लगाएगा, है ना, महिला मंडल मिलके लगाएगा ना, बहुत बढ़िया चौका लगेगा, चिंता मत करो। और जब साधु बन रहे तो चौके की चिंता क्या करना, साधु बनने के बाद चौके की चिंता क्या करना, मिल जाएगा ले लेंगे, नहीं मिलेगा पास कर लेंगे, बस यही तो साधु जीवन है, साधु जीवन यही कहलाता है। जब मिला जितना मिला जो मिला, क्या कल का भरोसा है साधु के लिए, कल का भरोसा है कि कल उसके लिए आर अच्छा मिल जाएगा, नहीं कोई भरोसा नहीं है। चलो चौके में पड़गान हो गया, पड़गान होने के बाद भरोसा है कि आर अच्छा हो जाएगा पूरा, नहीं कोई भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल में क्या हो जाए, अच्छा खासा चल रहा है लेकिन आ गया, कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए कोई चिंता मत करो, आराम से अपना साधु बनो, साधु जीवन जियो, चौकी को आराम से बढ़िया लगते रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जो काम करना चाहिए वो दोनों हाथ से करना चाहिए। आप आहार दे रहे हैं, आप पूजा प्रचार कर रहे हैं, आप अभिषेक कर रहे हैं, दोनों हाथ से। बस थोड़े से हटी लोग हैं वो मानते नहीं है। एक बार क्या हुआ, मैं एक मंदिर में था तो अभिषेक देख रहा था, ऐसे ही बैठा हुआ था, तो एक दादाजी आए होंगे 65-70 के लगभग, तो उनके साथ साथ एक युवा बच्चा भी आया, तो मैं देख रहा था अभिषेक, बस देखते देखते हाथ जोड़ के मैं देख रहा था, इतने में बच्चे ने अभिषेक किया, तो बच्चे ने जब अभिषेक किया तो उसने कलश ले लिया, कलश लिया हाथ में, और वो एक हाथ को घुटने त्योनी में लगाया यहाँ, और एक कलश पकड़ा और बस कह रहा अब से करने के लिए उसने कहा तो मैंने उसको बुलाया, हमने इधर आओ, आ गया वो, तो मैंने कहा
आपने भगवान का अभिषेक किया? तो बोले हाँ अभिषेक किया, अभिषेक किया। तो हमने ऐसे अभिषेक किया हमने, आपने तो डमरू बजा दिए, ये तो डमरू बज गई, ऐसे ऐसे डमरू बजा दिया आपने तीन बार। तो बोले मुनिराज ऐसे तो करते हैं सब लोग, ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं करते, भगवान का आपसे डेढ़ हाथ से नहीं करा जाता, भगवान का आपसे दो हाथों से किया जाता है। कलश को ऐसे पकड़ते हैं और फिर भगवान का अभिषेक करते हैं। बोले अच्छा, बोले ठीक है मुनिराज, आइंदा से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो दूसरी तरफ से जब अभिषेक करने गया तो उसने कलश पकड़ा और कलश पकड़ के दोनों हाथ से कलश ढार दिया। एक बार उसको समझ में आ गया, तभी के दादाजी ने कलश ढार दिया। दादाजी ने कलश ढारा तो उनने भी ऐसे करा, डमरू बजा दी तीन बार। तो मैंने कहा अभी इसको बताया, चलो दादाजी को बता दे रहे हम। दादाजी सुनना, बोले हाँ बोलिए। दादाजी बोले हाँ बोलिए। तो हमने कहा दादाजी आपने अभिषेक किया अभी हाल, तो अभिषेक तो एक हाथ से तो करते नहीं है, डेढ़ हाथ से तो करते नहीं है, अभिषेक तो दोनों हाथ से करते हैं। तो कलश मुद्रा बनाई जाती है, ऐसी कलश मुद्रा बना के ना और फिर अभिषेक किया जाता है। तो मालूम दादाजी क्या बोले, बता दूं? दादाजी बोले, बोले जितनी आपकी उम्र है ना उतने साल से हम अभिषेक कर रहे हैं। हमने अच्छा ठीक है करो करो जाओ करो। हमने क्या बोला, करो करो। उस दिन से हमने एक सूत्र बना लिया। क्या सूत्र बनाया हमने? एक सूत्र बनाया, कच्चे आम को पकाओगे तो वो पक जाएगा। क्या होगा? कच्चे आम को पकाओगे, भूसा में रख दिया, गेहूं में रख दिया, गर्मी में रख दिया, दबा दिया तो वो पक जाएगा। कच्चा आम पकाओ पक जाएगा, पके आम को पकाओगे तो सड़ जाएगा। ये सूत्र बना लिया हमने। कहा वो बच्चा जो था ना वो कच्चा आम था, उसको पकाया वो पक गया तुरंत। अब पके आम को पकाने की कोशिश की मैंने तो क्या हुआ, वो सड़ गया। वो सड़ गया, पके आम को पकाया तो सड़ गया। इसलिए मैंने बुजुर्गों से बोलने बंद कर दिया, भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हें मानना है नहीं है। हटी लोग बोले हम तो 30 साल से करते आ रहे, मतलब 30 साल से गलत करते आ रहे, किसी ने बताया नहीं है, सो गलत ही करते आ रहे, वही सही हो गया। अब कोई सही बता रहा है तो नहीं, हम तो वही करेंगे। ऐसे नहीं, अच्छे बनना चाहिए। देखिए कुछ सीखने के लिए तो हमेशा बच्चे बने रहो, कुछ सीखने मिल रहा हो ना, हमेशा बच्चे बने रहो। ज्यादा ज्ञान बगराने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बनने की आवश्यकता नहीं है कि हम बड़े, हमने सांस पढ़ रखे हैं, हम पंडित हैं, हमने विद्वान हैं, हमने इतने पढ़ रखे हैं। नहीं, जहां को सीखने मिल जाए, जो सीखने मिल जाए, हाथ जोड़ के सीख लो। हाँ बताओ, बस यही है ज्ञान प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन। बिल्कुल विनम्रता से झुके रहो, प्राप्त करो, ठीक है ना? क्या सही क्या गलत वो बाद में विवेक लगा लेना। आप तो जो मिल रहा है ले लो, ठीक है? उसमें से जो सही लगे आपको उसको ग्रहण कर लो, और जो ठीक नहीं लगे उसको छोड़ दो। बस सिंपल, इतनी सी तो बात। सार सार ग्रहण करो, असार को छोड़ दो। क्या बनना मालूम? क्या बनना? सूपा। क्या बनना? सूपा। एक होता है सूपा, एक होता है चलनी, ठीक है? चलनी को जानते क्या ग्रहण करती है? वो चलनी क्या ग्रहण करती है? असार। चलनी किसको ग्रहण करती है? असार। असार मतलब जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिससे कोई मतलब ही नहीं है, असार ग्रहण करती है। आप चलनी से आटा छानो, क्या छोड़ेगी वो नीचे? आटा छोड़ेगी, अच्छा अच्छा छोड़ देगी, और ग्रहण क्या करेगी? कचड़ा, कंकड़, मिट्टी, ये सब ग्रहण कर लेगी, ठीक है? कौन? चलनी। और सूपा में करो, सूपा में आपको गेहूं फटकना है, फटको, क्या निकलेगा बाहर? कचड़ा, कचड़े कचड़े को बाहर फेंक देगी और बाकी अच्छे अच्छे को ग्रहण कर लेगी। तो क्या बनना? सूपा बनो, सूपा, चलनी मत बनो। अच्छा लो, अगर आपको हमारी गुरु भक्ति में आकर दो बातें अच्छी मिल रही ना ले लो, और दो बातें खराब लग रही है ना तो छोड़ दो, यही छोड़ के जाओ। क्या नाम है? तो दो अच्छी लगी, हम दो लेके जा रहे हैं बस, बाकी छोड़ दे रहे। सेब फल की दुकान पर जाओगे और एक किलो फल लेना है, उसने कहा छांट लो, क्या छांटोगे? बच्चे तक को पता है कि अच्छे वाले,
अच्छे वाले देख लेगा ऊपर से नीचे तक कहीं दाग तो नहीं है, अगर थोड़ा सा भी दाग दिख गया तो क्या करोगे, उसको वहीं छोड़ दोगे, बोले नहीं ये नहीं चाहिए, अच्छा वाला ले लोगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, अच्छा अच्छा ले लो ना, हमारे पास आए हो, अच्छा अच्छा ले लो, जो आपको अच्छा नहीं लगे छोड़ जाओ, माल खत्म काम, इतनी सी तो बात, यही हमारा जैन धर्म सिखाता है। तो भगवान के अभिषेक की बात चल रही थी कि अभिषेक गंधोदक, गंधोदक कैसा होता है, कैसे लगाते हैं इसका वर्णन हुआ, चंदन कैसे लगाते हैं इसका वर्णन हुआ, अभिषेक किसका होता है इसका वर्णन आपने जाना, नव देवताओं में किसका अभिषेक होता है, हाथ उठा रही है, किसका होता है, क्या बात, तो तू ज्ञानी बन गई, कल से प्रवचन कराएंगे तेरे, कल से प्रवचन करने आ जाना। अच्छा बताओ साक्षात कितने परमिष्टियों का अभिषेक होता है, साक्षात कितने परमिष्टियों का अभिषेक होता है, किसी का भी नहीं होता, क्यों, अरहंत केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए, जड़ चेतन वस्तु उनको स्पर्श नहीं कर सकती, सिद्ध भगवान शरीर से रहे थे इसलिए अभिषेक नहीं होता, आचार्य उपाध्याय साधु आयस्नान नाम का मूल गुण है इसलिए उनका स्नान नहीं होता, इसलिए साक्षात पांचों परमिष्टि का अभिषेक नहीं होता है। और जिनागम का, जिनागम मतलब शास्त्र, शास्त्र का अभिषेक होता है नहीं, जिन धर्म, जिन धर्म का होता है अरूपी है दिखता नहीं है, अभिषेक कैसे करें, जिन धर्म जिनागम का होता नहीं है बचे कौन, जिन चैत्य जिन चैत्यालय का अभिषेक होता है। प्रथमा अभिषेक कब से प्रारंभ हुआ, बहुत अच्छा, इसका मतलब आप लोग सुन रहे ना तो कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो सीख रहे हैं, है ना सुभी, कब से हो रहा बेटा आपसे अभिषेक की परंपरा, कब से है, अनादि से, देखो छोटी बता रही है कब से है, अनादि काल से अभिषेक चला आ रहा है। बताइए अकृत्रिम जिनालयों की अभिषेक कौन करता है, अकृत्रिम जिनालयों में जो भगवान विराजमान होते हैं उनका अभिषेक कौन करते हैं, देवलोक करते हैं, कहाँ जाके करते हैं, नंदीश्वर दीप, कौन से नंबर का दीप है, आठवें नंबर का दीप है नंदीश्वर दीप, वहां पर कितने जिनालय हैं, 52 जिनालय हैं, एक जिनालय में कितनी कितनी प्रतिमाएं हैं, 108 कितनी प्रतिमाएं हैं, 108 प्रतिमा प्रत्येक जिनालय में, एक प्रतिमा की अवगाहना हाइट कितनी है, 500 धनुष, कितनी 500 धनुष, मतलब बराबर 3000 फुट, 500 धनुष मतलब 3000 फुट की प्रतिमाएं वहां पर हैं, और एक मंदिर में 108 है, कितने जिनालय हैं, 52 जिनालय हैं, तो कुल मिला के अब सोचो कितनी जिनालयों की वंदना वहां पर होती है, और देव लोग जाकर वहां पर अभिषेक पूजन पाठ करते हैं, अपन तो जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अपन मनुष्य पर्याय में है, और मनुष्य पर्याय में कहां से आगे नहीं जा सकते, मानुषोत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सकते हैं, मानुषोत्तर पर्वत कहां पर है, पुष्कर द्वीप में, कहां पर है, पुष्कर द्वीप में, आधे में पुष्कर द्वीप है और आधे में मानुषोत्तर पर्वत है, तो इसलिए आधा मानुषोत्तर, एक घातकी खंड और एक जम्बूद्वीप, कुल मिला के कितना हो गया, ढाई, आधा एक और एक कितना हो गया, ढाई, तो ढाई द्वीप कहलाता है, इस ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप में मनुष्यों का विचरण हो सकता है, ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते हैं, वहां कौन जाएगा, देव लोग जाते हैं। देखिए जिज्ञासा करता हूं, इंद्र को समूह शरण में जाना चाहिए जहां पर भाव निक्षेप से अरहंत परमिष्टि विद्वान है, उनके चरणों में जाकर के दिव्य ध्वनि सुनना चाहिए, नंदीश्वर द्वीप में क्यों जाता है, जब साक्षात तीर्थंकर के पास जाके दिव्य ध्वनि सुन सकता है
तो फिर नंदीश्वर द्वीप क्यों जाता है? वहां तो मात्र प्रतिमा के ही दर्शन होते हैं। फिर जब साक्षात तीर्थंकर मिल रहे हैं विदेह क्षेत्र में, आज भी मिल रहे हैं, तो विदेह क्षेत्र में क्यों नहीं जाता है? उसमें एक रहस्य है। जो लाभ समूह शरण में प्राप्त नहीं हो सकता वह नंदीश्वर द्वीप में प्राप्त होता है। कौन सा? जो लाभ नंदी समूह शरण में प्राप्त नहीं होता वो नंदीश्वर द्वीप में प्राप्त होता है। इसलिए वह इंद्र अपने परिवार सहित वहां पर जाता है। परिवार में कौन? बस इंद्राणी देवियां, बाल बच्चे नहीं, इंद्राणियां। एक देव की कितनी इंद्राणी है? एक देव की कितनी इंद्राणी है? इंद्राणी मतलब पत्नियां, कितनी पत्नियां? लो बताओ बताओ राखी जी, 96 के 96,000? हाँ 96,000। क्या राखी आंटी, कैसी बातें कर रहा है? जब देव की 96,000 होगी तो चक्रवर्ती कितनी होगी? चक्रवर्ती की होती है 96,000, ठीक है ना। देव की रानियों की गिनती नहीं है। कंपल्सरी जो होती है वो 32 होती है, 32। एक देव की 32 रानियां होती हैं, 32 देवियां होती हैं। ये तो कंपल्सरी वाली है, और मिल जाती हैं वो अलग बात है, सैकड़ों हजारों भी हो जाती है। लेकिन हाँ, देवियों का तो एक ही देव होता है, तुम चिंता मत करो, देवियों का तो एक ही देव होता है। जैसे चक्रवर्ती तो एक ही होता है, उसकी रानियां 96,000 होती है, ऐसे ही देव तो एक ही होता है, उसकी देवियां 32 होती हैं, ऐसा होता है। तो वहां पर क्या लाभ है समोसण में ना जाकर नंदीश्वर द्वीप क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि वहां साक्षात भगवान को, नंदीश्वर द्वीप में जाकर साक्षात भगवान को छू करके जो आनंद आता है वह समूह शरण में संभव नहीं है, वहां छू नहीं सकते। उस भामंडल के अंदर किसी की गति संभव नहीं, इसलिए वह सोचता है कि वहीं पर जाकर भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे। इसलिए वो नंदीश्वर द्वीप जाकर और भगवान की पूजा अर्चना कर लेता है। को क्या पूछ रहे थे राजी? नहीं, वो क्रम से वही है, मतलब वो दो तीन चीजों में बताया आपको कि जैसे आप नहीं आ पाए शुरू से, प्रारंभिक क्रिया में नहीं आए, आप आए बीच में जब भगवान का अभिषेक प्रारंभ हो चुका था, तो आप आएंगे तो क्या करेंगे? पहले आके मंगलाष्टक पढ़ेंगे क्या? नहीं, क्योंकि शुरू हो चुका है, तो आप आके पहले हाथ धोएंगे, तिलक लगाएंगे और कलश उठा के अभिषेक, ऐसे होगा ना, ये बताया। और जो शुरू से क्रम से करेगा वो तो क्रम से चलेगा, पहले वो पाठ परीक्षा वो करेगा, पीठ स्थापित करेगा, फिर श्रीकाल लिखेगा, फिर उसके बाद श्री जी विराजमान करेगा, फिर कलश स्थापित करेगा, फिर बाद में आगे चलकर जो भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं। तो जो सही है सही है, वो तो जो लिखा हुआ है मागनंदी आचार्य का, मागनंदी आचार्य द्वारा लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, वो आचार्यों द्वारा लिखा गया है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगली जिज्ञासा आती है कि जिनेन्द्र देव तो भावों में है, जिनेन्द्र देव तो भावों में है, फिर जिन प्रतिमा का अभिषेक पूजन क्यों करें? भावों में है तो फिर जिन प्रतिमा का अभिषेक पूजन क्यों करें? देखिए, साक्षात अरहंत भगवान भव्य जीवों के शुभ उपयोग उत्पन्न कराने में जिस प्रकार कारण होते हैं, उसी प्रकार प्रतिमा भी शुभ उपयोग कराने में कारण होती है। कभी कभी आप देखना किसी मंदिर में तीर्थ क्षेत्र में कहीं जाएंगे ना, तो आप प्रतिमा को देखें तो देखते रह जाएंगे, ऐसा लगता है 2 मिनट खड़े रहो,
कोई आपसे बोलेगा भी ना चलो चलना नहीं है, रुक तो जाओ दो मिनट अभी चल तो रहे, दो मिनट और खड़े होने का मन करेगा, हर किसी प्रतिमा के पास नहीं करेगा, हर किसी बात नहीं करेगा। अच्छा ईमानदारी से बताना, क्या तीनों वेदियों पर बराबर खड़े रहते हो दर्शन करने? हम तो आपको उदाहरण दे रहे हैं ना, आपका उदाहरण खुद दे रहे हैं। यहाँ पर तीन वेदी हैं, तीनों वेदी भगवान विराजमान है, तो क्या तीनों वेदी बराबर बराबर समय देते हैं? पांच पांच मिनट तीनों में देते हैं? नहीं, बीच वाली में पांच मिनट देंगे तो अगल बगल वाली में ढाई ढाई मिनट देंगे या एक एक मिनट में काम चल जाएगा। क्यों? आकर्षण है, किसी किसी विशेष प्रतिमा में आकर्षण होता है और आप वहां पर खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि प्रतिमा हमसे बात कर रही हो, बस ऐसा लगता है। आनंद लो, उसका आनंद लेना चाहिए, उसका आनंद लूटो, ठीक है, मिल रहा है ना। तो प्रतिमा भी शुभ उपयोग कराने में कारण बनती है। प्रतिमा को देखकर अरहंत देव भावों में विराजमान होते हैं, जैसे अपने पुत्र के समान ही दूसरे को पुत्र को देखकर अपने पुत्र की याद आ जाती है। अपने जैसे पुत्र को, जब बराबर हाइट का हो, बराबर हेल्थ हाल का हो, चेहरा एक जैसा दुखता हो, आपका बेटा कहीं पढ़ने गया हो और कहीं पड़ोसी का बेटा अगर सामने दिख जाए तो उसको देखकर अपने बेटे की याद आ जाती है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखने से जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण हो जाता है, जिससे अशुभ कर्म संवरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रतिमा भी अभिषेक पूजन के योग्य है, प्रतिमा का भी अभिषेक पूजन करना चाहिए और पुण्य का अर्जन करना चाहिए। एक और बात बताऊं, जिनेंद्र देव की प्रतिमा देखने से देव भावों में विराजमान होते हैं, इसका उदाहरण देकर बताइए, क्या उदाहरण है? प्रतिमा को देखकर भगवान भावों में विराजमान हो जाते हैं, अभी अभी बताया कि भगवान भावों में विराजमान हो जाते हैं, तो क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? भगवान तो वहां विराजमान है, हम यहां से देख रहे हैं, तो कैसे विराजमान होते हैं, उसका उदाहरण बताइए। तो उदाहरण सुनिए, जिस प्रकार कैमरे की रील में तब तस्वीर बनती है जब सामने कोई दृश्य होता है। रील में तस्वीर कब बनेगी? जब सामने कोई दृश्य होगा। बिना दृश्य के जैसे रील पर तस्वीर नहीं बनती, उसी प्रकार बिना प्रतिमा के दर्शन से भावों में देव का निवास नहीं होता है। इसलिए घर बैठे भगवान के दर्शन नहीं होते, दुकान पर बैठे भगवान के दर्शन नहीं होते। दर्शन कहाँ होंगे? मंदिर में आकर प्रतिमा जी को देखकर, प्रतिमा को निहार कर, अपने हृदय में बसाकर तब दर्शन होते हैं। इसलिए मंदिर जरूर आना चाहिए, ठीक है। चलिए जिज्ञासा समाधान समाप्त करते हैं और प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न मंच बताइए, मतलब हमारा आशीर्वाद, आप लोग ताली बजा के उनका अभिवादन कर लें। आज उनका जन्मदिन है, आज 84 साल की हो गई वो। आपको बताना है, नंदीश्वर दीप कौन से नंबर का दीप है? नंदीश्वर दीप कौन से नंबर का दीप है? हाँ बताओ, 8वें नंबर का। 7 दीपों का नाम बताओ। अरे 7 दीपों के नाम बताओ। कह रहे ये तो बता नहीं है मेरे को सही जवाब, नंदीश्वर दीप। कृष्णानगर से आए तो नाम लेके तो जाएंगे ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ढाई दीप कौन कौन से होते हैं? ढाई दीप कौन कौन से होते हैं? सारे कृष्णानगर भाई ले जाओगे क्या? चलो बताओ, कोशिश करते हैं, एक तो चलेगा, कोशिश करते हैं, पक्का करोगे कोशिश? देखो इनाम लेके जाइयो, आज जन्मदिन है आज, वैसे तो जन्मदिन में गिफ्ट देना चाहिए, वो तुम्हें दे रही है। चलो अच्छा बताओ, मानुष्कर दीप, कौन सा दीप? पुष्कर दीप, पुष्कर दीप, आधा जम्बू दीप, आधा जम्बू दीप, और
नहीं नई नाम का दीप है, नई नाम का दीप तो नहीं है ना। अच्छा नई नाम का दीप है, हमने आधा नई हो आधा नई दीप, आधा क्या बोली भैया ये पुष्कर दीप, जब ये बोले तो पूरी खोल दू करे पुष्कर दीप, विशेष ध्यान रखू करे इनका, पूरी कर दू करे। हाँ आप बताओ पुष्कर दीप, हाँ ये और खोल दो थोड़ी और खोल दीजिए। हाँ पुष्कर दीप, हाँ जम्मू दीप, हाँ मानुष्कर दीप, मानुष्कर दीप, बिल्कुल गलत जवाब। पहला जम्मू दीप पुष्कर आधा डेढ़ और नासिक नासिक, अरे नासिक कहाँ पहुंच गया आप, गलत जवाब। कोई नहीं बता पा रहा, चलो राजेश जी आप बताओ। पहला पहला जम्बू दीप, बहुत अच्छे ताली बजाओ। हाँ दूसरा दूसरा अच्छा तीसरा तीसरा पुष्करार्ध मतलब आधा आधा कौन आधा कौन सा दीप, पुष्करार्ध पुष्करार्ध में तो आधा आ रहा है ना, पुष्करार्ध वो तो आधा आ रहा है, दीप का नाम क्या है पुष्कर नहीं तो पुष्कर दीप बोले ना, पुष्कर दीप आधा, जब पुष्कर तब होगा ना पुष्कर दीप आधा, तो आधा पुष्कर एक घाती गण और एक चम्बुदी, बिल्कुल सही जवाब। हाँ बताइए अरहंत दीप की प्रतिमाएं कौन सा उपयोग कराने में सहायक होती हैं? अरहंत की प्रतिमाएं कौन सा उपयोग कराने में सहायक होती हैं? हाँ जी लेट अतीब, हाँ ये देखो नीलम ना भले ही यहाँ पर लेट अतीब हो लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया, आप लोगों ने जो नहीं कर पाए कल्याण मंदिर स्त्रोत सीख लिया पूरा संस्कृत का, ताली बजाओ उसके लिए। अब पूरा तो पढ़ लेती है, अभी दो क्लास पूरी हो चुकी हैं, अपनी क्लास जो चल रही है उसमें भक्तामर स्त्रोत पूरा हो गया और कल्याण मंदिर की कल लास्ट क्लास है, कल्याण मंदिर पूरा हो गया, दो स्त्रोत पूरे पढ़ चुकी है दोपहर की क्लास में। और आप लोग बैठे बैठे घर पर रोटी बनाओ और आराम से सो। हाँ अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जिनेंद्र देव भावों में विराजमान होते हैं, भावों से हृदय विराजमान होते हैं, उदाहरण किसका दिया था, उदाहरण बताया था भैया, उदाहरण किसका दिया था? बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब। अरे बच्चा है इतना बता दिया बहुत बड़ी बात है, उसने कैमरा की सीसीटीवी कैमरा बता दिया, बस सीसी जोड़ी तो घटाए तो नहीं है कुछ, सीसी जोड़ा तो है, बहुत बढ़िया बेटा ऐसे तुम्हारे आने का यही तो फायदा है, तुम आओगे तो इसीलिए तो अच्छा मन लगता है, आ जाए करो रोज आ जाए करो। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पांच सिद्ध क्षेत्रों के नाम जहां से तीर्थंकर मोक्ष गए, पांच सिद्ध क्षेत्रों के नाम जहां से तीर्थंकरों का मोक्ष हुआ है। अरे देखो सन्नाटा, जीरो बटे सन्नाटा, बताइए। आदिनाथ भगवान का सलावा, सलावा आदिनाथ भगवान है सलावा में, चलिए पार्श्वनाथ भगवान का बड़ा गांव, बड़ा गांव, और मुनि सॉरी चंद्र प्रभु जी का तिजारा जी, हाँ। और कौन से बोले थे, महावीर मुनि सुव्रत, महावीर भगवान का महावीर जी, हाँ मुनि सुव्रतनाथ,
महल का, यही तो मुख्य बताना था। बागी चार तो सबको आ रहे हैं, एक ही वही तो हमने इसलिए तो कठिन डाला उसमें। जनकपुर महल का नहीं, गलत जवाब। चलिए दीजिए, हाँ पांचों बताना है आदिनाथ के, एक थोड़ी बताना, पांच बताना है। आदिनाथ भगवान का सलावा चीटिंग हाँ, बस। और महावीर भगवान का महावीर जी हाँ, मुनिसुरदास भगवान का जहाजपुर, वो लंबा दूर है, पास वाला बताओ दिल्ली के, बहुत फेमस है दिल्ली में, लाइन लगी जहाजपुर, अरे दिल्ली के पास वो लाइन लगी रहती है, पैटर्न, वो पैटर्न तो बहुत दूर है दिल्ली के पास, यही जो छपरौली छड़क इसके पास दिल्ली के पास वाला नहीं पता, बड़ौद के पास भरता जो वो डंठल लगा रहता है जिसमें डंठल लास्ट में वो ठल होता है, ठल पैटर्न। इतनी हिंट देने के बाद नहीं बता पा रही हो तुम, तो बताओगे मुझे वही पता। चल रुचि बताओ हाँ क्या, मुनीश्वर भगवान का केठल और कुंडलपुर, इतने दूर पहुंच गई नहीं दिल्ली के आसपास, कौन सा लावा सलावा और बड़ा गांव, कौन का किसका, चंद्रपुर में बनना वाला, अच्छा देखने जाना पड़ेगा हाँ, तो चार ही तो हुए अभी, वो तो पहले नंबर बता दिया था, चार ही तो हुए, अच्छा आदिनाथ के कौन, आदिनाथ का कौन सा सलाहबा, चंद्रप्रू का नवीनाथ का, अच्छा पूजा नहीं है, अच्छा अच्छा मुनि सूरत का, पारसनाथ का, महावीर का, नवीनाथ का कौन सा है, देखो सही जवाब। पहली सुनो बढ़िया, सत्य अहिंसा के अनुयायी प्रीत रागता जिनको भाई, सत्य अहिंसा के अनुयायी प्रीत रागता जिनको भाई, 30 वर्ष में मुनि पद पाया देवो तक ने उनको गाया, कौन थे वो बताइए, कौन सा क्वेश्चन, चट आगे चटपटा पटपड़गंज का पट, बताइए चटपटा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए जिसके 3 नेत्र हैं पर वो शंकर नहीं है, जिसके 3 नेत्र हैं पर वो शंकर नहीं है, आंसर कौन है वो, हाँ भैया बताओ, जो नारियल फोड़ता है वो ही देखता होगा वो ही जानता होगा। चलिए कल के लिए नियम, और कल आपको पढ़ने के लिए गोमटेश स्तुति पढ़ने का नियम, गोमटेश स्तुति पढ़ेंगे और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे, कल अचार खाने का त्याग, अचार कोई सा भी हो, आंवले का हो, करौंदे का हो, मिर्ची का हो, या आम का हो, नींबू का हो, और बताऊं कल क्वेश्चन पूछूंगा मैंने कितने अचार बताए दिए, cheers।